स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर नगर निगम की उपद्रव जांच टीम ने 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 7,05,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। नगर आयुक्त एवं प्रशासक राधा कृष्णन वी धनतोली गांधीबाग सतरंजीपुरा और लक्कड़गंज अंचलों के मार्गदर्शन में 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 35,000 रुपए का जुर्माना धनतोली गांधीबाग सतरंजीपुरा और लक्कड़गंज अंचल के उपद्रव जांच दल द्वारा वसूला गया। उपद्रव जांच दल द्वारा धनतोली अंचल के कपास बाजार स्थित दुकान जय दुर्गा इंटरप्राइजेस के खिलाफ प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गांधीबाग अंचल के मेन रोड इतवारी स्थित मॉडर्न टेक्सटाइल्स की दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। सतरंजीपुरा अंचल के टांडापेट के बिनकर कॉलोनी में घटकाय अगरबत्ती के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उपद्रव जांच दल ने व्यवसायी संजय जांगिड़, वैद्य प्रकाश पांडे, दादू भाई, श्याम भाई से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। अभियान के तहत 2,940 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है। टीम द्वारा जब्त किया गया प्लास्टिक गुजरात के भावनगर से आया था। प्राप्त सूचना के आधार पर एनडीएस टीम लीडर व उनकी टीम ने लघु कारखाना क्षेत्र लक्कड़गंज व मऊरानीपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना वसूला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।